अलाउड नहीं है क्या? औरंगाबाद पुलिस द्वारा जो है वो काफ़ी सारी तैयारियां की गई हैं। पिछले लगभग 3 महीने से कंटिन्यूसली जो है वो तैयारियां हो रही हैं, चाहे वो NPW एग्जीक्यूशन हो, शराब की जो अचीवमेंट हो, रिकवरीज हो, उसके संबंध में, चाहे अरेस्टिंग के संबंध में, तो काफ़ी सारी तैयारियां पूर्व से चल रही हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम लोगों ने विशेष व्यवस्था रखी है, जॉइंट ऑपरेशन हम लोगों ने गया और पलामू के साथ किए हैं, और आज भी जो है वो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हमारे बॉर्डर एरिया में भी इंश्योर हम लोगों ने कराई है पलामू के साथ में, और मल्टी लेयर सिक्योरिटी हम लोगों ने इंश्योर की है। इसके साथ साथ सभी जगह पे आप देखेंगे बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, जगह जगह पे चेक नाका लगाए गए हैं, हमारे यहाँ जो है वो घुड़सवार दस्ता भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। और हम लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि वो घर से ज़रूर निकलें और वोट करने ज़रूर आए। मैंने भी अपना वोट जो है वो दिया है, मैंने भी अपना राइट एक्सरसाइज किया है, आप भी करें। थैंक यू। अरे इससे करिए सर, अभी आपने मतदान दिया है, क्या संदेश देने की कोशिश की? मैं सभी लोगों से अपील करूंगा, खासकर मैं अपने युवा वर्ग से अपील करूंगा कि आप वोटिंग जरूर करें, ताकि मेरा मतदान का प्रतिशत बढ़िया हो। हमारा औरंगाबाद जिला का मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम है, एवरेज से हम कम है, स्टेट एवरेज से कम है, इसलिए हम लोगों ने पूरा प्रयास भी किया है, स्वीप के कई कार्यक्रम हम लोगों ने कराया है। सभी लोगों से मेरा अपील है कि लोग वोटिंग करें और हमारा वोटिंग परसेंटेज हमारे जिला का अच्छा बढ़े। अभी तक क्या स्थिति है? अभी तक स्थिति अच्छी चल रही है, थोड़ा सा शुरुआती दौर में थोड़ी दिक्कतें होती हैं तो, लेकिन सब जगह अभी स्मूथली मेरा वोटिंग स्टार्ट हो गया है, अब कोई समस्या नहीं है। अक्सर प्रभावित क्षेत्रों में क्या स्थिति है? नहीं, पूरी व्यवस्था हम लोगों ने की, सुरक्षा की पूरी पुख्ता व्यवस्था वहाँ पर, हमारा मिलिट्री फोर्सेज वहाँ पर लगे हुए हैं, काफ़ी संख्या में लगे हुए हैं, इसलिए लोग भयमुक्त होकर के चुनाव वोटिंग करें, कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छी चल रही है अभी, धन्यवाद। नहीं नहीं, कोई अप्रिय घटना नहीं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।